एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका चैटर्जी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी माय मेकअप लुक, जो कि बहुत इजी मेकअप लुक होने वाला है और इसे आप किसी भी ऑफिस फंक्शन, स्कूल फंक्शन या कोई लोकल फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस में क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं अपने डांस शूट के लिए ऐसा ही ईजी एंड लाइट मेकअप करती हूँ, बट मैं आपको ये मेकअप लुक बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी फॉर योर स्टेज शोज, क्योंकि क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल में आपको हैवी मेकअप ही करना होता है, जहां लाइट्स आपके फेस पर पड़ता है एंड ऑडियंस आपसे दूर होता है। तो मैं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हैवी मेकअप लुक ही क्रिएट करें। ये मेकअप बहुत ही लाइट होने वाला है एंड एज आई टोल्ड यू, मैं जनरली ये मेकअप अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए क्रिएट करती हूँ। सो अगर आपको पसंद आए, जैसा भी होगा, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे पहले से एलोवेरा जेल लगा लिया था एज अ प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इवन मेरे पास मेरे घर पे प्राइमर है अवेलेबल, बट रीज़न क्या है कि मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया, उसका रीज़न मैं आप लोगों को गाइज बताना चाहूँगी। उसका रीज़न यही है कि लास्ट 2-3 ईयर्स से मुझे मेरे फेस में हो चुका है प्रॉब्लम, हार्मोनल एक्ने इश्यूज, तो उस वजह से मैं जनरली मेकअप नहीं कर पाती हूँ। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने बिल्कुल मेकअप के लिए मना कर रखा है। तो जैसा कि प्राइमर के बाद हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं फाउंडेशन, मैं अपने मेकअप में फाउंडेशन यूज़ नहीं कर पाती हूँ किसी भी ब्रांड का, आईज़ के एरिया को छोड़ के। तो मुझे जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है वही मैं यूज़ करती हूँ एज अ फाउंडेशन। मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन जो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है, उसी को ही मैं एज अ फाउंडेशन यूज़ करती हूँ अपने मेकअप्स में। सो इस स्टेप में आप जिस भी कंपनी का फाउंडेशन यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं यूज़ करना, तो आपको अपना फाउंडेशन ही यूज़ करना है। सो आप जब अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस पे, तो एक स्पंज की हेल्प से आप उसे ब्लेंड कर लें। यूजुअली मैं अपने जो सनस्क्रीन है वो अपने हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। उसका टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी है, जो कि मेरे हाथ से ही ब्लेंड करने पर मेरे फेस पे अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर फाउंडेशन ऑन योर नेक एरिया एज वेल एज ईयर। सो यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना हेयर बैंड नहीं लगाया है। आपको अपने बालों को अच्छे से टाई कर लेना है, हेयर बैंड लगा लेना है, ताकि आपके फेस पे बालों से डिस्टर्बेंस ना हो। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ अब फाउंडेशन अपने आँखों के ऊपर और आँखों के नीचे के लिए। आँखों के ऊपर हमारा आई मेकअप अच्छे से पॉपअप हो जाएगा और आँखों के नीचे हमारे डार्क सर्कल्स को वो कवर करेगा। नाउ अब इसे अच्छे से ब्लेंड करना है स्पंज की हेल्प से। एंड जस्ट इसी के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेस पाउडर कॉम्पैक्ट, और आप चाहे तो अपना लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं कोई मेकअप ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को भी नहीं शो कर रही हूँ। मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसा मेकअप मैं अपना खुद अपने वीडियोज़ के लिए करती हूँ। नाउ मैं यहाँ पर कर रही हूँ कॉन्टोर, और अगेन मैं आपको यहाँ पर कॉन्टोरिंग की ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ। अगर आपको बेटर कंटूरिंग करना सीखना है, तो आप प्रेफर कीजिए कि कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो से आप उसको सीखें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं अपने क्रीज लाइन में एक न्यूड शेड अप्लाई कर रही हूँ। नाउ मैं एक लाइट पर्पल शेड लेके अपने आईज के कॉर्नर्स से अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। यूज कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से गोल्डन कलर। नाउ मैं यूज कर रही हूँ लाइनर। लाइनर की थिकनेस मैं बहुत ज्यादा बोल्ड भी नहीं रखूंगी और बहुत ही ज्यादा पतला भी नहीं रखूंगी, मीडियम रखना चाहूंगी। अपने वीडियोस के लिए मैं यूजुअली मीडियम रखती हूँ, बट अगेन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर आप स्टेज शो के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको अपना लाइनर और आईब्रोज दोनों बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रखना पड़ेगा।
नाउ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ काजल। एंड साथ में मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने काजल को थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ। नाउ मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर मस्कारा। नाउ लास्ट में मैं अपना कर रही हूँ आईब्रोज। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आईब्रोज आपको थोड़ा बोल्ड करना है अपने स्टेज शोज के लिए, यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल ही रख रही हूँ। नाउ मेरे मेकअप को और मेरे फेस को और ग्लोइंग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको यूज़ करना है आपके हाई पॉइंट आईब्रोज के, नोज़ में और आपके लिप्स के ऊपर भी। नाउ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक्स पे ब्लशर। नाउ एट लास्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। और लिपस्टिक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। एंड अगर आपको भी पसंद आए और आप भी अगर ट्राई करते हैं ऐसा मेकअप लुक, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप डांसिंग, बाय बाय।